और जहां तक सवाल है नरेंद्र मोदी का, माशाल्लाह क्या बोल सकते। बांग्लादेश नरेंद्र मोदी गए, कल जाकर बोल दिया, कल जाकर नरेंद्र हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि मैंने भी सत्याग्रह किया था बांग्लादेश में। क्या बात है, देखो हमको नहीं मालूम था प्राइम मिनिस्टर कि आपने सत्याग्रह किया था। जो आपके बारे में किताब लिखे उसमें तो कहीं नहीं मिला कि आपने बांग्लादेश के लिए सत्याग्रह किया था, मगर मोदी जी बोल दिए। मगर मोदी जी, अगर आपने बांग्लादेश के लिए सत्याग्रह किया तो मुर्शिदाबाद के बसने वाले मुस्लिम अकलियत को आप बांग्लादेशी क्यों बोलते हैं? बोलते हैं ना, दीमक भी बोलते हैं। मगर बांग्लादेश को बनाने के लिए आपने सत्याग्रह किया तो हमको क्यों गाली दे रहे फिर आप? हैदराबाद में बल्दिया का इलेक्शन हुआ तो बीजेपी बोली हैदराबाद में ओवैसी के कॉन्स्टिट्यूंस में बांग्लादेशी है। वो बांग्लादेशी नहीं थे, वो बंगाल के सोने का कारस्कोप का काम करने वाले काबिल लोग बसते मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में, उनको बांग्लादेशी बोल दिए। CAA का कानून नरेंद्र मोदी लाए, CAA का कानून आसाम में मोदी, CAA की बात नहीं कर रहे, मोदी और अमित शाह बंगाल में, यहां पर असेंबली इलेक्शन में CAA की बात कर रहे, आसाम में नहीं कर रहे, हम यहां कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, ममता बनर्जी की TMC पार्टी, चीफ मिनिस्टर की पार्टी बीजेपी को नहीं रोक पाई तो कैसे CAA को रोक पाएगी? कैसे रोक पाएगी CAA को? ये आपको सोचना है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों।